हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास संबंधी पढ़ाई के साथ साथ कृषि की भी जानकारी दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाड़सा में बच्चों को कृषि टूल किट दी गई और उन्हें अत्याधुनिक कृषि के बारे में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं को भी ये पता लगे कि कृषि में प्रयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। ये जो कृषि का जो विषय ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, मेन इसका उद्देश्य यही है कि हर एक को मतलब सर्विस तो नहीं मिल सकती ना हर एक को, कि भाई ऐसा कुछ सिखाया जाए कि अब जहाँ तो झारसे में और नज़दीक तो अक्वायर होगी ज़मीन, पर ये बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं, अगर कुछ कृषि जानते हैं तो कुछ वो अपना ही है जो अपना जो है काम कर सके। मेन एम तो ये है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अत्याधुनिक कृषि पर ध्यान देना चाहिए और इस बार बजट भी बड़ा अच्छा खासा किया। आधुनिक का मतलब ये है कि नई नई देखो ना, खोज तो होती रहती है ना, रिसर्च होती रहती है। जो पुरानी रिसर्च होती है कई दफ़ा जो है पुराने जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नई बीमारियाँ। और अब जैसे कोरोना 2 साल से पीछे है, इस तरह जैसे आदमी में नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, फसलों में भी कई दफ़ा नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उसमें फिर रिसर्च होती है, खोज होती है। तो इनको हम जो है ना एनिमल हस्बेंड्री पशु विज्ञान के भी हम लेक्चर दी। हरियाणा सरकार के द्वारा NSDF स्कीम हमारे विद्यालय में 2016 से स्टार्ट है, और ये जो NSDF है इसके अंदर हमारे विद्यालय में IT और एग्रीकल्चर 2 सब्जेक्ट लागू हुई, और ये दोनों सब्जेक्ट हमारे बच्चों के लिए बड़े कारगर हैं, क्योंकि IT के जो क्षेत्र है उसमें आज बहुत सारे रोज़गार हैं और खुद बच्चा जो है ना वो खुद का कारोबार शुरू कर सकता है। इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर का जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हो कि सरकार ये किट बांटने का काम कर रही है, ये किट बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो खुद इन किट का प्रयोग करके जो है ना खुद अपने ऊपर डिपेंड है बच्चा हो सकता है। इस प्रकार की सरकार की योजना है। और ये एग्रीकल्चर का जो विषय है, क्योंकि आज आप देख रहे हो किस प्रकार पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, हमारे यहाँ आम जनता में जो है एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कम होता जा रहा है, तो सरकार चाह रही है आगे भी एग्रीकल्चर विषय को बड़ी महत्ता देते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए, और विद्यालयों में इसी प्रकार से NSDF अब शुरू किया गया। आपने सरकार चाहती है कि ये स्किल जो है इसी स्किल में डेवलप, तो सरकार की जो मंशा है उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट है इन दोनों सब्जेक्टों के प्रति, विशेष रूप से एग्रीकल्चर के प्रति जो इंटरेस्ट बच्चों में अब दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज जो एक किट वितरण का प्रोग्राम है, इस किट वितरण के प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं बच्चों में और ये आएगी कि हाँ अब कहीं ना कहीं मुझे इस एग्रीकल्चर